जनपद में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते शनिवार को 127 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मिले मरीजों को होम आइसोलेट के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के अन्य हॉस्पिटलों में भर्ती कराया है। CMO डॉक्टर रचना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिले के रेलवे एवं बस स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित जाँच की जा रही है और पहले से देखते हुए अब जांच प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। कहीं भी किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसे लोगों की निगरानी कर रही है और ऐसे लोगों की जांच करा रही है। वहीं उनका कहना है कि 2 दिन पहले लिए गए 3000 कोविड के सैंपलों में से 127 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बढ़ते कोरोना वायरस के सवाल पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लोग ज्यादातर कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही वह मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के चलते जिले में यह संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से जनपद वासियों से कोविड-19 के नियमों के पालन करने की अपील की है। कोविड की लहर इस समय चल रही है और प्रतिदिन काफ़ी संख्या में केस निकल रहे हैं, तो जनता से मैं यही अपील करूंगी कि कृपया अब भी सचेत हो जाएं, मास्क का उपयोग करें, लगातार जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर बाहर निकलें, मास्क को ठीक से पहनें, बार बार हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। मेले मंदिर इत्यादि में भीड़ ना लगाएं। जाना है दर्शनार्थी जो भी श्रद्धालु वगैरह जाते हैं, ये अपना सामाजिक दूरी को मेंटेन रखते हुए दर्शन करने जाएं और शासन के द्वारा भी ये अपील की गई है कि कृपया जो भी काम करें वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारे काम करें। कितने मरीज सामने आए और कितने लोगों को सैंपलिंग की गई? हाँ, कल हमारे मथुरा जनपद में 113 लोग पॉजिटिव आए थे और 2500 की सैंपलिंग में इतने लोग पॉजिटिव आए थे, और जो आज जो रिजल्ट आया है ये 127 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि 3000 व्यक्तियों की सैंपलिंग के बाद। फॉलो केस भी हैं कि सारे नए हैं? ये नए केस हैं।